अगली खबर आपको बता रहे हैं, जहां बिलासपुर में निजी स्कूलों की फीस को लेकर लगातार मिल रही शिकायतों के बाद विधायक शैलेश पांडे ने सरकार से नियामक आयोग बनाने की मांग की है, जिससे निजी स्कूलों की मनमानी बंद हो सके। और विधायक शैलेश पांडे ने बताया है कि लोग निजी स्कूलों की शिकायत लेकर आते रहते हैं, आयोग के बंद जाने से निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगेगा और स्कूल की सुविधा के हिसाब से ही फीस तय होगी, इसमें पालक और स्कूल दोनों के साथ न्याय होगा। आमतौर पर कई शिकायतें आती हैं कि प्राइवेट स्कूलों से फीस को ज्यादा लिया जाता है ऐसा करके, तो ये प्रस्ताव माननीय मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से पिछले वर्ष मैंने रखा था कि क्यों ना प्रदेश में जो है वो प्राइवेट स्कूलों के लिए भी एक रेगुलेटरी कमीशन बनना चाहिए, जिससे कि वो सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क ही केवल पालकों से बच्चों की पढ़ाई को। ज्यादा जानकारी के साथ स्वराज समाचार शैलेंद्र पाठक फोन लाइन पर जुड़ गए। शैलेंद्र, सरकार से मांग तो कर दी गई है आयोग बनाने को लेकर, लेकिन क्या ऐसे मनमानी करने वाले स्कूलों पर शिकंजा वाकई में कस पाएगा आयोग बन जाने से? निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं जो नियामक आयोग बनाने का जो प्रस्ताव है, ये निजी स्कूलों को दायरे में लाने का काम होगा इससे कम से कम, और एक पाबंदी उन पर लगाम लग सकती है, मनमानी उनकी जो चलती है उससे कम से कम एक लगाम लग सकती है, क्योंकि इसमें सरकार के और जो जनता के हैं वो दोनों प्रतिनिधि शामिल रहेंगे, तो ऐसे में कोई भी फैसला जो मनमानी जो निजी स्कूलों का है वो नहीं हो पाएगा। निश्चित रूप से उसके आयोग रेगुलेटरी कमीशन बनती है बनता है, तो इसमें फायदा जो दोनों तरफ के लोगों को है, जनता को भी फायदा होगा इसमें, और जो जो मैनेजमेंट है कम से कम उसकी जो मनमानी वो कम से कम रुक पाएगी, और जो तमाम फीस के साथ जो तमाम तरीके से शुल्क लिए जाते थे वो जो मनमानी है उस पर कम से कम लगाम लगेगा। तो एक अच्छा प्रयास है, हालांकि सरकार इस दिशा में काम कर रही है और इसके जल्द ही इस आयोग का काम है जल्द शुरू हो जाएगा, और लॉकडाउन खत्म होते ही ये स्थिति है साफ हो जाएगी, और जो निजी स्कूलों पर जो लगाम है वो ये डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से लग जाएगी। निश्चित तौर पर है कि सरकार का जो खाता है जो जो इस आयोग को लेकर जो स्थिति है वो सरकार ने साफ कर दी है, तो जल्द ही इस पर फैसला आने वाला है और सबसे कम राहत मिलेगी जो पेरेंट्स हैं उनको राहत। अभिभावकों को तो इससे फायदा होगा ही, लेकिन ऐसे स्कूल प्रबंधनों से आपने अलग अलग चर्चा करने की कोशिश की, कैसी प्रतिक्रियाएं स्कूल प्रबंधनों की तरफ से आ रही हैं? अब स्कूल प्रबंधनों का ये मानना है कि आयोग बनेगा तो उनकी बात सुनी जाएगी, लेकिन स्कूल लेकर के संख्या, लेकिन आयोग बनेगा कि नहीं, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग निजी स्कूल में पेरेंट्स अब मौजूद है, उनके बच्चे पढ़ते हैं, तो ऐसे में सरकार का ध्यान ज्यादातर वो उस पर जा रहा है कि आखिर जो पेरेंट्स हैं जो जो मनमानी स्कूल की जो उसको कैसे रोका जाए, तो इसमें जो स्कूलों स्कूल प्रबंधन का जो ये मानना है कि कहीं ना कहीं लगाम लग जाएगा और उनकी परेशानी बढ़ जाएगी, एक नया कानून पैदा हो जाएगा और एक इंस्पेक्टर राज जैसी स्थिति हो जाएगी, तो लेकिन इसको लेकर के संशय जरूर है, लेकिन सरकार ने ये तय कर लिया है कि ये कमीशन बनना है और इसमें जल्दी। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए शैलेंद्र। एक तरफ